कर्क लग्न अक्टूबर 2023 कैसा रहे? देखिए, 22 अगस्त से 14 अक्टूबर तक आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहो। हो सकता है वो आपसे लड़ भी पड़े, तो ये टाइम है 22 अगस्त से 14 अक्टूबर तक का स्पाउस को कंसंट्रेट करने का। आप 15 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का जो टाइम है, मतलब इस महीने में 15 दिन तक का जो टाइम है, वो आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और बाद में 15 दिन के बाद का 3 नवंबर तक का टाइम, आपके बच्चे या आप जिसको प्यार करते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे आप, उनके लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करिएगा। आपके वर्क प्लेस पे आपके हाथ में जायंट सक्सेस है, उसमें कोई शक नहीं। घर के अंदर जो अशांति मची पड़ी है, मची पड़ेगी, क्योंकि अभी मंगल केतु का युति चतुर्थ में आ रहा है, तो ये गणेश उपासना करते रहिएगा। भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ये महीना बेस्ट है। भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ का रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है। गुरु आपके कर्मस्थान से चतुर्थ को देख रहा है, तो महीने में कोई नया शिफ्ट, नया घर या नया वातावरण आपको मिलेगा उसमें। इस महीने में आपको केयरफुल रहना है। 6-7 अक्टूबर ये एक्सपेंसिव है, हो सके इतने डिसीजन आप पेंडिंग रखेंगे 6 और 7 अक्टूबर को तो अच्छा है। 20-21 अक्टूबर ये मार्क कर दीजिएगा तारीख को, 6-7 एक्सपेंसिव एंड डिसीजन शुड बी पेंडिंग। 20th एंड 21st, 20 और 21 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। किसी से पैसा उधार मांगना हो तो बेस्ट दिन है। अपने दिए हुए पैसे उधार वापस मांगना है तो बेस्ट नहीं है, बट आपको किसी से उधार मांगना है तो 20 और 21 बेस्ट। 24-25 स्ट्रेसफुल रहेगा, हो सके इतने डिसीजन में इंटरफेयर इस तारीखों में ना करें। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 1st एंड 2nd, 28 एंड 29 अक्टूबर इज द बेस्ट। बिजनेस के लिए यस, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आ भी सकता है, नया स्टार्ट करना है तो नो प्रॉब्लम। हेल्थ के लिए आपको 20 और 21 तारीख को मैंने बोला केयरफुल रहना ही है। स्टूडेंट को 26 एंड 27 बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 1, 10 और 24 बेस्ट है। प्रपोज करना चाहते हैं तो विवाह के लिए कोई बहुत बड़ी संभावना लेके आया हुआ महीना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट के लिए 3 और 4, 3rd 4, 26, 27 एंड 38 एंड 31 अक्टूबर विल बी द बेस्ट। फाइनेंस के लिए, मतलब हाथ में बहुत सारा पैसा होगा आपके, तो 10, 11 एंड 12 विल बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।